Hey guys, this is my YouTube channel. Welcome back. Before we start, make sure you click on the subscribe button. Let's start. बाकी यार आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट मेरी रहेगी. महाराष्ट्र SSC के रिजल्ट के रिवोल्यूशन रिचेकिंग के रिजल्ट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे. देखिएगा, एक तो यार सबसे पहले तो आप हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमें हैं वो थोड़ा सा हेल्प करने में थोड़ा सा एक प्रकार से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम लेकर आते हैं. और उसके बाद हैं जो थोड़ी सी एनर्जी जो होती हैं, इंटरनल एनर्जी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और स्टूडेंट्स की हेल्प करने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों. बाकी आप वीडियोस देखकर चले जाते हो तो फिर, या फिर कोई कमेंट बॉक्स में भी कुछ पूछता है तो फिर मतलब वो वाली बात नहीं रहती. जो सब्सक्राइब बटन दबा के हैं जो कुछ पूछता है उसकी तो लगभग बात ही कुछ अलग होती है, और हमारी टीम है वो विद इन 15 मिनट के अंदर अंदर ही उसको रिप्लाई भी देती है दोस्तों. तो यहाँ पर मैं बता दूँ, महाराष्ट्र SSC का जो रिवोल्यूशन रिचेकिंग का जो रिजल्ट है उससे संबंधित मैं आज आपसे यहाँ बात करूँगा. तो देखिएगा, उसका जो रिजल्ट है, लगभग अपन बात करें महाराष्ट्र SSC रिवोल्यूशन या फिर रिचेकिंग के रिजल्ट की, लगभग इसको इसके प्रॉपर रिजल्ट को आया है जो 15 to 20 days हो चुके हैं. लेकिन जो हमारे डिपार्टमेंट में जिनकी संबंधित SSC से संबंधित कोई जो भी कॉन्टेक्ट बेस का फिर जो भी सर्कल है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है. बट जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी उससे 2 दिन पहले ही आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि अनाउंस्ड कब होगा. इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब बटन दबा के हैं जो बेल आइकन भी जरूर दबाना. तो हमारे जो टीम मेंबर्स की जो बात हुई थी, जो कॉन्टेक्ट हुआ था, उसमें लगभग उन्होंने बताया है कि लगभग इस महीने के एंड तक तो मुश्किल रहेगा आपका रिजल्ट, लेकिन नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर है जो महाराष्ट्र SSC का जो रिजल्ट है वो आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं. लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि रिजल्ट आ गया है या फिर नहीं? तो आपको जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आने से पहले हम ऑफिशियल डिपार्टमेंट में ऑफिशियल जो इसका नोटिफिकेशन बनता है वो हमारे पास पहुंच जाता है. तो उससे उसके 2 दिन पहले ही या फिर 1 दिन पहले ही या फिर 24 hours पहले ही हम हैं जो उसके बारे में हैं जो वीडियोज़ बनाकर हैं जो स्टूडेंट्स को यहाँ पर नोटिफाई कर देते हैं, स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि इस टाइम को और इस डेट को हैं जो आपका रिजल्ट आएगा. तो जो जो स्टूडेंट सब्सक्राइब बटन दबाए रहते हैं उनको पता लग जाता है. बाकी जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो डेट भी चूक जाते हैं रिवोल्यूशन रिचेकिंग की डेट, इतने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चूके हैं. मैंने खुद ने यूट्यूब में एनालिसिस किया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो डेट भी हैं जो मिस कर जाते हैं. तो नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक तक वेट करो, और अगर उससे पहले पहले अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो उससे पहले पहले है जो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर अपडेट रहूँगा दोस्तों. तो थैंक यू सो मच. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और पहले से अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच.